मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला नीमच द्वारा शासन से अपनी मांगे मनवाने हेतु अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए आज गांधी वाटिका पर गांधी जी की प्रतिमा को ज्ञापन दिया गया। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश स्तर से संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 52 जिलों के 52 संगठनों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि शासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है, पुरानी पेंशन बहाली, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्रमोन्नति, पदोन्नति आदि 31 सूत्रीय मांगे ज्ञापन में शामिल की गई है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि अविलंब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज गांधी वाटिका पर किए गए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस मौके पर उपस्थित जनों ने रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन भी किया। चूँकि बहुत समय से हम लोग शासन के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन शासन की तानाशाही रवैये से शासन हमारे किसी भी ज्ञापन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हमने संयुक्त मोर्चे के प्रदेश स्तर के आह्वान पर सभी 52 जिलों में सभी 52 संगठनों द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को ज्ञापन देने का एक अनोखा ही उपाय चुना है, जिसके तहत हम शासन तक ये मांग पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी मांगें हैं, पुरानी पेंशन, कर्मोन्नति, वरिष्ठता वगैरह जितनी भी हैं, सारी समय से पूर्व हमको दी जाए, अन्यथा हम मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय आह्वान पर उग्र आंदोलन करेंगे। ये विरोध है कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जी का जन्मदिवस है और हम अहिंसा पूर्वक शासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो अविलंब पूर्ण की जाए, जिसके आदेश जारी किए जाए। पुरानी पेंशन बहाली संगठन, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, पदोन्नति, कर्मोन्नति, बहुत सारी हमारी मांगे हैं, 21 सूत्रीय मांगे संयुक्त मोर्चे ने शामिल हुई हैं, जिसका हमने महात्मा गांधी जी को ज्ञापन दिया है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।